मोटिवेशन, सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है सर कि लाइफ में कुछ करना है। आप जहां पर अभी रह रहे हैं वहां का रूम रेंट वगैरह क्या है? हेलो एवरीवन, दिस इज आरजे मोहित। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आए हैं टोंक फाटक सरस्वती कॉलोनी। आज हम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं आए, आज हम यहाँ पर आपको जयपुर एस्पिरेंट्स के बारे में बताएंगे जो यहाँ पर रहते हैं, और उनका रूम टूर कराएंगे पूरा एक तरह से, और आपको बहुत सी बातें जानने के लिए मिलेगी उनके बारे में। तो चलिए चलते हैं उनके रूम में, लेट्स गो। तो अभी हम आ गए एस्पिरेंट्स के रूम के अंदर। अब इनसे जानेंगे इनके बारे में, इनके शेड्यूल के बारे में, ये कौन सी कोचिंग में जाते हैं इसके बारे में, इनके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। तो सबसे पहले आप दोनों अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। सर मेरा नाम मोनू सैनी है और मैं राजस्थान अलवर से रहने वाला हूँ। मेरा नाम अनिल कुमार सैनी है, मैं राजस्थान के अलवर जिले से हूँ। आप दोनों अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ और मैंने ग्रेजुएशन में बीएससी की है। मैं भी साइंस बैकग्राउंड से हूँ और मैंने भी एजुकेशन में ग्रेजुएशन में बीएससी की है। आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की है दोनों ने? सर मैंने ग्रेजुएशन सुबोध कॉलेज जयपुर से किया। मैंने भी ग्रेजुएशन सुबोध कॉलेज जयपुर से की। अच्छा, तो आप जयपुर में कब से रह रहे हैं? जयपुर में पिछले 4 सालों से जयपुर में रह रहे हैं। यानी कि हायर ग्रेजुएशन की है। हाँ हाँ यहाँ पर। और अभी आप किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ पे? सर मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ, हरेंद्रा क्लासेज जयपुर से। मैं राजस्थान एसआई की तैयारी कर रहा हूँ सम्यक संस्थान से। हाँ, अलग अलग कोचिंग में जाते हो आप, है ना? तो आपके कोचिंग के बारे में थोड़ा बहुत बताइए। हरिंदर सर क्लासेज है ना, यस सर, उसके बारे में। हरेंद्र क्लासेज बेसिकली जयपुर गोपालपुरा में स्थित है और मैं उनकी उसकी मेन ब्रांच से कोचिंग कर रहा हूँ, तो कोचिंग बहुत ही अच्छी है सर। और उसकी फीस वगैरह क्या है एसएससी की? जैसे फीस वगैरह, जैसे फुल अगर एसएससी का कोर्स करते हो आप तो उसकी फीस है लगभग 20 से 25 हज़ार के बीच में। एक्चुअली मेरे को पता नहीं है पर मैंने मैथ्स स्पेशल ज्वाइन कर रखा है तो मैथ्स स्पेशल की मेरी फीस थी 7,500 रुपये। यानी कि इसके अंदर ओनली आप मैथ्स की क्लास में जाते यस हैं सर, ना? मैथ की और जो भी सब्जेक्ट है मैं उनकी ऑनलाइन ले रखा हूँ सब्सक्रिप्शन। अच्छा, ऑनलाइन भी पढ़ते हैं और यहाँ हाँ पे ओनली मैथ के लिए जा रहे हैं हाँ ना। मैथ के लिए तो ओनली। क्लासे कितने बजे से कितने बजे तक होती है? क्लास होती है सुबह 9 से और 11 तक मैथ की क्लास होती है। अच्छा, तो आप फिर आप फ्री हो जाते हैं ना। हाँ 11 बजे मैं फ्री हो जाता हूँ। और आप सम्यक कोचिंग में जाते हैं तो उसके बारे में हाँ जी, बताइए थोड़ा। सम्यक रिद्धि सिद्धि तिराय के पास है और सुबह 8 बजे से क्लास लग जाती है और 2 बजे तक क्लास लगती है। और उसकी आप एसआई का कोर्स कर रहे हैं तो उसकी फीस वगैरह क्या है? फीस बेसिकली 30 हज़ार से 35 हज़ार के बीच में लेते हैं। आपकी कितनी है? मेरी 30 हज़ार लिए थे। हाँ, अच्छा, तो आई मीन 30 और 35, मतलब मतलब चलता है बीच में। अच्छा ऐसा है क्या? तो आप नोट्स वगैरह के लिए कोचिंग में नोट्स बनाते होंगे, और क्या कोचिंग में बुक्स वगैरह प्रोवाइड कराते हैं क्या? हाँ सर बिल्कुल, क्लास नोट्स देते हैं और प्रैक्टिस के लिए बुक देते हैं। सर ने मैथ्स के लिए प्रीवियस ईयर की सारी बुक 2017 से जितने भी 2022 तक जितने भी क्वेश्चन आए ना एसएससी सीजीएल में उनका डिटेल सॉल्यूशन दे रखा है, एक बुक दे रखी है। तो आप उसके लिए बाहर से बुक परचेज थोड़ी करनी पड़ती है? नहीं नहीं क्लास नोट्स सफिशियंट है, उनका बार बार रिवीजन कर लो आप यानी उनसे हो बाहर से जाएगा। मार्केट से आपको कुछ भी नहीं खरीदना ना फिर? ना सब कुछ कोचिंग में कराते हैं अपने को हाँ प्रोवाइड। सर, ये बाहर से कोई खरीदने की जरूरत नहीं, क्लास नोट्स ही काफी है और वो जैसे बुकलेट भी प्रोवाइड करा देते हैं तो उनमें सब कुछ क्लियर हो जाता है। और टेस्ट वगैरह वो कैसे लेते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन या वीकली कैसे लेते हैं? टेस्ट वीकली हो जाते हैं, जैसे कोई टॉपिक खत्म होता है तो हाँ उसका 2-3 दिन बाद में समय दे देते हैं, तो बाद में टेस्ट ले लेते हैं। और जैसे टेस्ट सीरीज वगैरह सब ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासों के लिए उपलब्ध है। और आपका फुल शेड्यूल क्या है, आई मीन आप सुबह से लेके शाम तक कोचिंग को कैसे मैनेज करते हैं और आप कैसे पढ़ते हैं, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? जैसे हम सुबह 5:30 6 बजे के बीच में उठ जाते हैं। उठ के सुबह 5:30 से 8 बजे तक हम रीडिंग कर लेते हैं, सुबह सुबह पढ़ लेते हैं, 2 घंटे लगभग निकल जाते हैं सुबह। फिर इसका कोचिंग का टाइम रहता है 9 बजे और मेरा रहता है 10 बजे, तो बेसिकली ये खाना वाना बना लेते हैं उसी टाइम, है ना, खाना बना के, और ये कोचिंग चला जाता है पहले और उसके बाद में मैं जाता हूँ। और फिर शाम को 2-3 बजे तक रूम पे पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद में 1-1.5 घंटे आराम कर लेते हैं। आराम करने के बाद में वही पढ़ना, 7-8 बजे तक पढ़ना, फिर खाना बना लेते हैं। 9 बजे तक खाने से फ्री हो जाते हैं तो बाद में 1-2 घंटे फिर पढ़ लेते हैं तो 2 घंटे आपने इसके लिए लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है या फिर रूम में ही पढ़ते ना, हैं? वैसे रूम में ही पढ़ रहे हैं। अच्छा, रूम में रूम से ही पढ़। हो जाता है, बढ़िया। और आपका मोटिवेशन क्या है कि जैसे इतना सुबह इतनी जल्दी उठना, फिर कोचिंग जाना, फिर वापस आना, खाना बनाना, रेस्ट करना, फिर से पढ़ना, फिर रात को सोना, ये सब क्या कैसे मोटिवेशन कहाँ? मोटिवेशन सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है सर कि लाइफ में कुछ करना है। जैसे
जैसे बेसिकली मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ उसमें अभी तक कोई किसी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगा है, हमारे जो गांव है ढाणी है उसमें कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं है। तो बस यही है कि कुछ करना है, माँ बाप के लिए कुछ करना है, सबसे बड़ा मोटिवेशन सर माँ बाप है। इससे बड़ा मोटिवेशन और कुछ भी नहीं। और आप खाना वगैरह खुद बनाते हैं या बाहर से आपने टिफिन फैसिलिटी ले ना? खुद ही बनाते हैं खाना वगैरह सब कुछ। आप जहाँ पर अभी रह रहे हैं वहाँ का रूम रेंट वगैरह क्या है? रूम रेंट सर पर मंथ के हिसाब से है, जैसे पर मंथ हमारा रूम रेंट है 5,000 रुपए और उसमें लाइट और पानी का अलग अलग है दोनों का। तो आपका मंथली कितना हो जाता है? मंथली तो जैसे पूरे रूम का मिलाकर तो 7,000 तक खर्चा हो जाता है, और उसमें खाना खाना उसमें भी खाने का भी इंक्लूड हो जाता है, खाना वगैरह जो हाँ सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। और खुद का खर्चा तो खुद के हिसाब से करो, हाँ खुद के हिसाब से हो तो खुद के डिपेंड करता है कोई कितने खर्च कर रहा है कोई क्या कर रहा है, वो तो उस हिसाब से रहता है। और आप थोड़ा अपने रूम के बारे में बताइए ताकि लोगों को ऐसा लगे कि आप जहाँ पर रह रहे हैं वो रूम के बारे में थोड़ा दिखाइए कैसा रूम है। तो सबसे पहले आप थोड़ा टूर करा सकते हैं? यस सर, देखिए हमने यहाँ पे मैप्स लगा रखे हैं, जैसे ये हमारे स्टेट का राजस्थान के स्टेट का है और ये वर्ल्ड का मैप है और ये भारत का मैप है, और ऐसे हमने मोटिवेशन के लिए लगा रखे हैं, जैसे कभी डीमोटिवेट तो हमारी मम्मी की फोटो लगा रखे हैं, माँ बाप की फोटो सामने रहती है तो मोटिवेशन अपने आप ही दिख जाता है सर। और इधर हमारे सोने की व्यवस्था है और इधर हमारी बुक्स रखी है और इधर एक किचन एरिया, इधर खाना बना लेते हैं। तो जैसा कि आपने देखा हमने आपको एक जयपुर एस्पिरेंट्स के बारे में उनकी लाइफ के बारे में बताया कि वो यहाँ पर कैसे पढ़ते हैं, कैसे अपनी लाइफ को मैनेज कर रहे हैं, यहाँ के रूम रेंट वगैरह और वो कोचिंग्स के बारे में। तो आपके लिए अब ऐसी और वीडियोस आती रहेंगी जिसमें आपको जयपुर एस्पिरेंट्स के बारे में बताया जाएगा, जयपुर कोचिंग्स के बारे में बताया जाएगा। तो आप ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।